वेलकम टू द माय चैनल द हैवी वाला ट्रेन ड्राइवर। और दोस्तों आज का ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए। आपका भाई संजय बिंदानी आपका स्वागत करता है। तो भाई प्रोग्राम पूरा ऐसा बना कि सवेरे सवेरे लग गया था टीओ। सवेरे का मतलब है आपका लग गया था मेरा 8:15 में टीओ, 7:45 का ऑन ड्यूटी। और खेला ख़त्म हो चुका है और ड्यूटी ऑफ हो चुका है। हम इधर आके रिलीफ यार्ड आ गए घर आने में, क्योंकि अपना भाई लोगों का कि ट्रेन लाइन ट्रेन लोको ये सब बढ़िया लगता है, ऐसे यहीं पर आके। तो भाई तो संबलपुर करके टीओ दिया था, बट संबलपुर का गाड़ी नहीं था। स्टैंड बाई संबलपुर ऐसा करके टीओ देता है। उसका देने का कारण ये है कि वो स्टैंड बाई दिया है, तो आपको कहीं भी गाड़ी संबलपुर डायरेक्शन में कोई भी साइडिंग में आपका गाड़ी को लिया जा सकता है। तो ये था बात। तो मेरा गाड़ी को BPSL गाड़ी था। BPSL एक साइडिंग है और एक कंपनी का नाम है। जस्ट ये किसका है, जिंदल स्टील उसी का है मेरे को लगता है, JSW लिखता है उसी का कुछ पार्ट है। तो गाड़ी को मेरे को एक स्टेशन पहले रख लिया और 10 घंटा वहीं हो गया। और भाई आप लोग बार बार सुनते हो हम 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, करना पड़ता भाई, कहाँ जाएगा बच के। जब आ गए हैं चक्रव्यूह में फंस गए तो चक्रव्यूह में चक्र में घूमते रहना है। हाँ तो भाई काम करते हैं तो भाई काम के तो पैसा देता है और क्या करेगा। तो 10 घंटे के बाद ही ड्राइवर बोल सकता है कि मेरे को अभी हम काम नहीं कर सकते हैं। तो 10 घंटा तक तो मिनिमम करनी है। और क्या है कि गुड्स में मोटा मोटी आपको टाइम लग जाता है, क्या किया जाए भाई। ड्यूटी से आने के बाद मस्त आराम हो गया, अभी खाना पीना भी हो गया है रात का। और बेटी भी अल्टीमेट सोलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, लगता है 1 घंटा और लगी है। अभी 1 राउंड मार लिए लेकिन उसको कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, और हल्ला कर रही है, ट्राई करते रहते हैं। नींद बहुत जोर का आ रहा है। तो भाई आज का ताज़ा खबर ये है कि अभी कुछ लोगों में आपका वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स लगाने का प्लान चल रहा है, और सेंट्रल रेलवे में इम्प्लीमेंट करके देखा गया है, देखा जा रहा है एक्चुअली, कुछ लोगों में लगाया गया है। तो ब्लैक बॉक्स एक्चुअली पहले एरोप्लेन में यूज़ किया जाता था, ब्लैक बॉक्स का यूज कोई प्रॉब्लम आने से ब्लैक बॉक्स में सारा चीज़ रिकॉर्ड होता था कि पायलट के द्वारा जितना भी एक्शन किया गया और जितने द्वारा क्या बात किया गया है सारा रिकॉर्डेड ब्लैक बॉक्स में रहता है। इसलिए कोई भी जब प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा रहता है, तो ब्लैक बॉक्स का कलर एक्चुअली ऑरेंज कलर का रहता है ब्लैक बॉक्स। तो अभी सेंट्रल रेलवे में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि कुछ इंजन में ब्लैक बॉक्स लगाया जा रहा है। मतलब कैमरा तो अभी पहले से थोड़ा कुछ लोगों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, लेकिन मेरे को भी एक कैमरा वाला लोगों मिला था। तो अभी कैमरा के साथ ब्लैक बॉक्स वगैरह का आपका वॉइस रिकॉर्डिंग टोटल चीज़ होगा। ड्राइवर को तो उससे एज अ मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहा है ये मेरे को लगता है कि ऐसे जगह पर ब्लैक बॉक्स ज़्यादा यूज़फुल होगा मेरे को लगता है, या तो पैसेंजर गाड़ी टोटल, क्योंकि वन रन चलता है उसमें ड्राइवर को कुछ उतना टाइम नहीं रहता है, वन रन चलता है जाएगा। जैसे मैंने प्लेन उड़ता है तो 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे जो भी उड़ रहा है वो टोटल वो अपना वर्किंग पीरियड में, अदर वर्क उसमें आप नहीं कर रहे वो काम चले जा रहा है। लेकिन जैसे गुड्स ट्रेन है यहाँ पर, जैसे 10 घंटे में पहुँचा, 3 घंटा का जर्नी है वो 10 घंटे में पड़ा, 7 घंटा आपका किसी किसी जगह में खड़ा है, तो वो सब जगह में ब्लैक बॉक्स का उतना यूज नहीं हो पाएगा सही से कि क्या कर रहा है ड्राइवर। अब आप खाना भी खा रहे हैं, सब चीज़ उसी में कर रहे हैं, उतना तो अभी डेवलप हुआ नहीं है कि कैब कि सब चीज़ उसमें ये रहे। बट टॉयलेट लगने से हम लोग ऊपर से टॉयलेट भी कर देते हैं, क्या करेंगे चलते गाड़ी में से, या रात को वहाँ रात में तो आप उतर भी नहीं सकते हैं, रात में सांप वूप कहाँ क्या है। तो वही बात की बात है कि कोचिंग में स्पेशली ब्लैक बॉक्स का एकदम एग्जैक्ट यूज होगा, जो वॉइस रिकॉर्डिंग टोटल चीज़ होगा। और मतलब क्या आपका ब्लैक बॉक्स का एक्चुअली जो मकसद रहेगा वो एक्चुअली कोचिंग में वो पूरा अच्छी तरह से फुलफिल होगा। और दूसरा है ऐसी जगह पे जहाँ पर पूरा वन रन गाड़ी चलता है, बहुत सारे सेंट्रल रेलवे में या आपके मुंबई साइड ज़्यादातर वहाँ कम समय लगता है गाड़ी को पहुँचाने में, और आपको पूरा गाड़ी और पूरा प्लेन सेक्शन है इसलिए गाड़ी बैठने का कोई टेंशन नहीं है, वन रन गाड़ी जाती। तो भाई बहुत सारा भाई लोगों का ऐसा
सवाल आ रहा था कि मतलब न्यू वैकेंसी कब आएगा, न्यू वैकेंसी कब आएगा। तो भाई अगर स्टैटिक कब माने तो अभी असिस्टेंट लोको पायलट का बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि नया आपका नया नया लाइन बिछ रहा है, नया नया स्टेशन, सब जितना भी स्टेशन है वो बढ़ाया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे जब पूरा फुल फोर्स में चालू हो जाएगा, टोटल जो चालू हो जाएगा, मोटा मोटी चालू हो ही गया है, दो चार ट्रेनें कहीं भी रहेगा, मेरे को लगता है कि बंद है तो बंद है। तो उसके अनुसार और जैसे अभी बोर्ड पोजिशन चल रहा है कि हमेशा असिस्टेंट का कमी रहता है, तो नया वैकेंसी एकदम एग्जैक्ट जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट हम मतलब बोलें कि कोई अगर बोल रहा है कि अभी आ जाएगा दो महीना में या मार्च में आ जाएगा अप्रैल में आ जाएगा, तो किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है भाई कि आएगा। लेकिन सालों साल जैसे चलता आया है कि एक साल दो साल तीन मतलब तीन तीन साल का गैप में मोटा मोटी आ ही जाता है। देखिए मेरा वाला वैकेंसी 11 में आया था, फिर 14 में आया था, फिर 17-18 में आया था, तो अभी तो आना ही चाहिए ना, डेफिनेटली एक साल ज़्यादा ही हो रहा है बोलने से। तो ऊपर से आपका चुनाव भी आने वाला है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तक ये आना चाहिए आने वाला 6 महीना में वैकेंसी। तो भाई हम तो इतना ही बोलेंगे कि उसका टेंशन मत लीजिए कि कब आएगा वैकेंसी, अपना तैयारी को ज़ोरदार रखिए। जब पता चला वैकेंसी आ गया और तैयारी आपको उतना फुलफिल नहीं हुआ, तभी आप ज़्यादा परेशान होइएगा। तैयारी पूरा अप टू डेट रहेगा तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपना मतलब अपना जगह में आप जाने के लिए कॉन्फिडेंट रह सकेंगे कि चलो हम अच्छा तैयारी है तो हम अपना जगह में भरते हैं फॉर्म और वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, ताकि आपके घर के आसपास आपका नौकरी हो। क्योंकि ये नौकरी तो है अच्छा, लेकिन आप अगर घर के पास आते हैं तो इससे अच्छा नौकरी कोई नहीं। मैंने मैं हम बोले ना कि 7 साल टोटल बीत गया, 7 साल बोल रहे, 8 साल बीत गए, 9वां साल आ जाएगा और नौकरी पता नहीं चल रहा। 8 साल अभी मेरे को इधर जगह इधर ट्रांसफ़र दिया है तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, टोटल चीज़ सेटलमेंट करना, वाइफ को बच्चा को घर परिवार थोड़ा सा परेशान हो रहा है, क्योंकि दो ही भाई हैं, ऊपर से दोनों का दोनों ड्राइवर हैं, दोनों का दोनों बाहर, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मेंटली आपको हैरेसमेंट होता है कि घर का फिकर रहता है, यहाँ का रहता है। तो अगर अच्छा तैयारी रहेगा तो आपके पास मौका रहेगा कि घर के पास एग्ज़ाम देने का। तो इसलिए भाई तैयारी पे फोकस कीजिए, एग्ज़ाम तो जब निकलेगा निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत भाई है ऐसे ही फंसे के फंसे रह जाते हैं। इसलिए तैयारी अप टू डेट कीजिए, पहले तैयारी कीजिए, कहीं अगर आसपास कहीं एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, तो टेस्ट में जाइए, सब लड़का के बीच में टेस्ट में बैठिए, तो जाके आपको पता चलेगा कि आप कितना तेज है, मैंने कितना मार्क्स आपका आ रहा है। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है तो आप कितना उसमें ले पा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर लड़का जो भी क्वेश्चन सेट करता है तो वो क्या है, वो सोच के चले रहता है, वो भी वही 60-40 में सेट करता है कि 40% ही लड़का बना हुआ है, 60% ना बना पाए। लेकिन जब आप उसमें भी 60% बना लेते हैं तब आप होते हैं असली खलनायक। तो इसीलिए भाई तैयारी ज़ोरदार रखिए, और जब निकलेगा निकलेगा, जब निकलेगा तो आप लोग फाड़िए दीजिएगा, तो पता ही है मेरे को।